पांच पॉइंट्स हैं ऐसे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे आपको फायदा जरूर होगा और मैं भी यही करता हूँ, आप लोग भी यही करो, अगर ट्राई करके देखो एटलीस्ट इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। तो शुरू करते हैं फिर पहले पॉइंट से। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, दैट इज वॉचिंग स्टूडियो, माय नेम इज हितेश नानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहला पॉइंट, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना सोसाइटी, हमारा हमारा ग्रुप या आप सोशल मीडिया देख लो, काफ़ी ऐसे हैं लोग सोशल मीडिया और ऐसे सोसाइटी में जो काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में, और मे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं भी पता, उनके सक्सेस के पीछे हमें नहीं पता, एंड वी आर नोबडी टू जज एनीबडी, राइट। तो आपकी एक अपनी कहानी होनी चाहिए, तो उस कहानी के लिए ना आपको अपने प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रेजेंट को ही अच्छे से नहीं चलाओगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो अपने आपको ना कंपेयर करना छोड़ दो दूसरों से, अपनी जर्नी, चाहे आपकी इम्परफेक्ट जर्नी हो पर आपकी अपनी जर्नी होगी। आप बैठोगे अपने बच्चों के साथ जाके कभी तो बताओगे ना कि भाई हाँ मेरा ये था, मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने वैसे वैसे किया, वो आपकी जर्नी है, राइट। तो आपकी अपनी जर्नी है, तो अपनी जर्नी पे अगर आपको फोकस करना है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना पड़ेगा। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कभी कुछ खाने का मन कर गया, कुछ अच्छा सा खा लो अपने लिए, आपको जो मन कर रहा है वो खाओ, जो छोटी छोटी चीज़ें मन कर रहा है, जैसे मान लो आपको वॉक करना पसंद है तो बाहर निकल जाओ यार वॉक करने, इतना अच्छा मतलब देश है, मैं तो कनाडा में, तो मेरे को पता है कि भाई बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप कहीं भी अपने कोई भी होम कंट्री में हो तो भी आप कहीं बाहर निकल जाओ तो बढ़िया लगता है भाई, मतलब डू थिंग्स, स्मॉल लिटिल थिंग्स जो आपको खुशी देते। सेकेंड पॉइंट, कीप इन टच विद लव्ड वंस। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ना मतलब अपनी जिंदगी में इतना आगे 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 करते 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 ग्राइंड करते करते आगे इतना बढ़ जाते हैं कि हम ना सोचते हैं कि भाई जो पैसा कमा लेंगे भाई वो मतलब कहते हैं ना एक रीच कर लेंगे एक पॉइंट, फिर भाई जो अपनी लाइफ में सुख है ना वो प्राप्त करेंगे। नो ब्रो, नो नो नो, आपकी जो लाइफ में है अभी उसको अप्रिशिएट करो, उसको अपने लव वन से शेयर करो, उन अपने लव वन के साथ हैंग आउट करो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, फिटनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रैवलिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, योर करियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, सेम वे योर लव्ड वंस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो भाई अपनी जो चीज़ों का पार्ट है ना ये मत सोचो, भाई एक ही चीज़ पे मत घुस जाओ कि भाई हाँ ये इसके पीछे, तो ऐसे करोगे तो आपकी पेंसिल जरूर घिस जाएगी, आपका मन पूरा ही ऐसा हो जाएगा एक टाइम के बाद। अगर आपको बाई चांस यू नो स्ट्रगल करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, तो सबका एक अपना होता है, तो अपने लव वंस के साथ रहो, क्योंकि उनकी अच्छी एनर्जीज आपको जब मिलेंगी तो आप फ्यूल अप होते रहोगे, अंदर से होते रहोगे और आप भी उनको फ्यूल अप करोगे, समझ रहे हो। तो इट्स ऑलवेज टू वे, तो अपने लव वंस के साथ कनेक्शन में रहो। थर्ड पॉइंट, सीक सपोर्ट। भाई हेल्प लेने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, या हेल्प लेने से कोई इंसान ये नहीं कहेगा आपको कि भाई मैंने तेरी मदद करी थी तब तू ऐसे पहुंचा है, या मैंने तेरे से ये किया था तब तो ऐसा नहीं होता ब्रो। हेल्प लेनी ज़रूरी होती है। हेल्प का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप अपना दिल किसी के साथ शेयर कर रहे हो, अपने क्लोज वन के साथ, या जिससे आप जिसको आप ट्रस्ट करते हो उससे अपना दिल शेयर किया, या मान लो फॉर एग्जांपल आप सोचते हो यार मैं ना फाइनेंशियली क्या कर रहा हूँ, या यार मैं फिटनेस वाइज क्या कर रहा हूँ, या यार मेरे ना अंदर से मेरा दिल नहीं लग रहा, या कोई बंदी छोड़ के चली गई, या बंदा छोड़ के चला गया, कुछ भी चला गया, या कुछ भी होता है, राइट। तो आप एक हेल्प ले सकते हो। अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, आपके दोस्तों को फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो एक हायर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनसे बात करो कि भाई मेरे ये गोल्स है प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, वो आपको बताए, अब उस पर टिक जाओ और फिर करते रहो। सिमिलरली कहीं रिलेशनशिप में आपको नहीं समझ आ रहा तो टेक हेल्प, लाइक टॉक टू समबडी, राइट। इफ यू वॉन्ट कीप योर हार्ट आउट, आपका दिल इतना भारी 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 होता जाएगा, आपके शोल्डर ऐसे 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 होते जाएंगे, आपका कंधा झुक जाएगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी चीजें ले लेके। तो भाई जस्ट लूजन अप योर सेल्फ और टेक हेल्प। वंस यू टेक हेल्प you will definitely come out of that grievement phase या bad phase या low phase and you'll be like चल यार चल कुछ करें let's cry, तो ऐसी feeling आने लग जाती है, आप self motivated feel करते। तो helping or take seeking help is not at all bad, okay। Fourth point, get involved in activities or volunteer yourself। भाई मैं सच में बता रहा हूँ कि ना
इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्टिविटीज़ में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लो, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, क्लब मतलब पार्टी वार्टी नहीं, नो, क्लब ज्वाइन कर लो जिसमें आपकी स्किल्स बढ़ रही हो, या कहीं वॉलंटियर कर लो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। क्योंकि मैं खुद ऐसे बिलीव करता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे भी कभी कभी हेल्प कर देता हूँ लोगों की या कुछ भी कर देता हूँ, तो एक ना आपको समझ आता है, आप और ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो अपनी लाइफ में, और ज़्यादा मतलब ऐसी फील में आ जाते हो यार लोगों की लाइफ क्या है और मेरी लाइफ तो फिर भी बेटर है, आप ऐसा सोचने लग जाते हो, तो आपको लगता है यार यस वाओ आई एम डूइंग गुड, यू गेट दैट गुड एनर्जी। आप जब किसी की हेल्प करते हो आपकी वो एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो जो कहते हैं ना कि इन्वॉल्व हो लोगों के साथ, कनेक्शंस बिल्ड करो, स्किल्स अपनी बढ़ाओ। अब जैसे मान लो कभी कभी किसी को ना अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा नहीं होता, या मान लो कभी कभी किसी को ना अपनी कोई स्किल्स पे भरोसा नहीं होता, तो उन चीज़ों पे काम करो ना भाई। अपने आप बैठो, अपने आप से बात करो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा ऐसा मेरे को इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इफ़ यू बी देयर, गेट इन्वॉल्व विद योर सेल्फ, गेट इन्वॉल्व विद पीपल इन गुड वे, सो दैट यू कैन somewhere or the other enhance your personality, your confidence, your skills, or maybe you're helping others. When you do that, you connect with yourself, also with other people too. तो भाई जोड़ो नोकिया, पर नोकिया जैसा नहीं बनना है ना, नोकिया खत्म हो गया। तो कनेक्टिंग पीपल इज अ गुड वे टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिफ्थ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि भाई भगवान में जुड़ जाओ, कोई कोई भगवान में नहीं भी मानता होगा, वो उनकी अपनी चॉइस है, पर बैठो एंड जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 मिनट्स 7 मिनट्स 10 मिनट्स एंड जस्ट सिट। जब आप बैठोगे ना आपके दिमाग में थॉट्स आते ही रहेंगे, ऐसे थॉट्स आएंगे, इतने थॉट्स आएंगे, कभी आप एक थॉट से कहाँ पहुंच जाओगे, फिर दूसरा आएगा कि नहीं नहीं बैठ जा, मुझे कुछ नहीं सोचना, मतलब आई जस्ट वांट टू सिट ब्लैंक। तो जब आप ब्लैंक बैठने की कोशिश करोगे आपके मन में और एक थॉट आएगा, उस थॉट से आप कहाँ पहुंच जाओगे, कोई और आएगा फिर वहां पहुंच जाओगे। तो धीरे धीरे ये ना इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे इस चीज को कि भाई खाली बैठना है, बस सांस की आवाज फील करनी है, तो आपको समझ आएगा कि भाई यार एक साइलेंस, एक मेडिटेशन, एक ऐसे बैठना आपको कितनी सुकून वाली फील देता है। अब एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ, आप कभी योगा करने चले जाओ, ठीक है, योगा कर लिया आपने, स्ट्रेचिंग कर लिया, आपकी बॉडी अकड़ गई, उसके बाद जो एंड वाला पोज होता है जिसमें आपको लेटना होता है और फिर आपको लोग बता रहे होते हैं, फिर म्यूजिक चल रहा होता है, थोड़ा सा लाइट सा, आप इतने रिलैक्स हो जाते हो ना उस चीज से कि आता है यार आज तो मजा आ गया। सेम बैठो अपने साथ 5 मिनट 7 मिनट बैठो ऐसे और सोचो कि मुझे कुछ नहीं सोचना, आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट नॉइस और फील दैट ब्रेथ। तो ऐसे सोचोगे तो पहले बहुत थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, पर एक टाइम के बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करो एंड आई कैन डेफिनेटली मेक श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ यूं 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 बढ़ जाएगी, आपका अंदर का फ्यूल यूं 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 बढ़ जाएगा, मतलब आपको लेट्स गो ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से, आपको एनर्जी फील होगी अंदर से, ठीक है। तो डू दैट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप स्माइलिंग।